हम आगे सीखेंगे। प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी आगे वचन बता रहे हैं, हम उसे सीखेंगे कि परमेश्वर को किसने बनाया, हमारा सवाल है। तो हमने सीखा कि मसीही जो है, एक मसीही जो रहता है उसके अंदर यीशु मसीह का वो जो अगम्य ज्योति है वो उसके अंदर उंडेला गया है। तो सिर्फ एक मसीही के अंदर ये उंडेला नहीं जा सकता है, जितने भी मसीही हो चुके हैं उनके अंदर अगम्य ज्योति ने प्रवेश कर लिया है, उंडेल लिया गया है, उसके अंदर उंडेला गया है। इसीलिए सारे मसीही जितने भी दुनिया के अंदर मसीही है, मसीही बन गए हैं, उन सब के अंदर अगम्य ज्योति ने प्रवेश किया है। वो अगम्य ज्योति को इकट्ठा करके जब हम खड़े हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे शरीर, देह, मसीह का देह, यीशु मसीह का देह। हम उस बात को बोल पाएंगे क्योंकि उसने अपने आप को उंडेल दिया, खाली कर दिया। तो उसने कहाँ पे भर दिया, उसका अगम्य ज्योति उसने कहाँ पे भर दिया, उसने एक एक मसीह के अंदर उसके उंडेला गया अगम्य ज्योति को भर दिया। अब ये अगम्य ज्योति वो इकट्ठा हो जाता है, सारा मसीह पूरी दुनिया के अंदर से एकत्रित हो करके हम देखेंगे तो वो इकट्ठा जब बनेगा तो वो एक शरीर बन जाता है मसीह का, जिसके अंदर अगम्य ज्योति निवास कर रही है। और वो अगम्य ज्योति इंसानों के अंदर सारे मसीह को इकट्ठा करने की वजह से हम देख सकते हैं कि ये परमेश्वर है, इसके अंदर परमेश्वर है। ये अगम्य ज्योति जो है वो कैरेक्टर है परमेश्वर का, अगम्य ज्योति जो है वो डिस्प्ले करता है परमेश्वर को। और ये अगम्य ज्योति सारे मसीह जब इकट्ठा होते हैं तो हम यीशु मसीह का शरीर कहते हैं, ये यीशु मसीह का देह है, हम ऐसे कहते हैं। तो यीशु मसीह का देह बनने के लिए हम मसीह यीशु मसीह के अंग बन गए हैं। ओके, तो हर एक अंगों में परमेश्वर ने उस डाला हुआ अगम्य ज्योति, जो यीशु मसीह में अगम्य ज्योति थी वो उंडेला गया है। तो हर एक मसीह के अंदर उसका उंडेला गया चीज़, अगम्य ज्योति उनके अंदर प्रवेश हो चुकी है। समझ में आया? तो हर एक मसीह के अंदर अगम्य ज्योति प्रवेश किया है, जो मसीह ने, यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया। तो कहाँ पे उंडेल दिया उसने? हर एक मसीह के लिए वो उंडेल दिया गया, वो उंडेला गया हर एक मसीह के अंदर जाके बैठ गया है। अब वो उंडेला गया यीशु मसीह का उजियाला, अगम्य ज्योति, जो अगम्य ज्योति में परमेश्वर निवास करता है, वो अगम्य ज्योति का अस्तित्व हम मसीह के जीवन में से अब दिखता है। तो इस तरह से यीशु मसीह ने अपने अंदर के अगम्य ज्योति को उंडेल कर मनुष्य का समानता में अपने आप को मनुष्यता के स्वरूप में देहधारी जो बन के आया, वो दास का स्वरूप होकर अपने आप को अपने अंदर का अगम्य ज्योति को उंडेल कर मनुष्य के समानता में स्वरूप में वो बन गया अपने अंदर। तो इस तरह से उसका जो मारा जाना है, क्रूसीफाई होने का जो समय है, उसके बारे में कहा गया है कि जो जगत का नींव रखा गया था उसके भी पहले से, मतलब समय बताया जा रहा है, कभी यीशु मसीह का क्रूस कर पर चढ़ने का समय ठहराया गया था, किस दिन ठहराया गया था ये कभी प्लान हुआ था। तो ये क्रूस के ऊपर जाने का जो बात यीशु मसीह के बारे में था, वो जगत के उत्पत्ति के पहले ही उसको चढ़ाया गया था क्रूस के ऊपर। ठीक है, यानी हम लोगों को जो डेट मालूम है कि यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर आने के बाद कभी चढ़ाया गया, वो डेट को मायने ना रखते हुए अगर हम देखेंगे उसका असली में कभी चढ़ाया गया था वो क्रूस के ऊपर, वो उस वक्त चढ़ाया गया था जब यीशु मसीह, जब जगत सृष्टि किया भी नहीं था, और उसका नींव बांधने से पहले, उसका नींव डालने से पहले, सृष्टि का नींव डालने से पहले यीशु मसीह को क्रूसित कर दिया गया था। इसका मतलब यीशु मसीह आदम को देखकर क्रूस के ऊपर चढ़ाया जा रहा था ऐसा नहीं है, आदम के कारण यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ा ऐसा नहीं है। वचन के अनुसार हमको समय पता चलता है कि सृष्टि के अंदर आदम बनाया गया, तो यीशु मसीह को क्रूसित करने का समय तो उसके भी पहले का बताया जा रहा है। जब सृष्टि का नींव डाला जा रहा था, जब डला भी नहीं था नींव, उस समय यीशु मसीह को क्रूसित किया गया था।
तो आदम उसका क्रूस का कारण नहीं है, आदम उसके क्रूस के बलिदान का कारण नहीं है। हम लोग जो वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति के पहले अध्याय का पहला वचन और यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का पहला वचन, उसमें समय जो बताया गया है, ये पवित्र वचन के बारे में समय है। ये हम लोगों को लिखित वचन का शुरुआत और लिखित वचन का अंत हमको पवित्र वचन में से मालूम पड़ जाता है। इसके बाहर का समय का कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसके बाहर समय नहीं है। ये सिर्फ लिखित वचनों का समय हमको ये पवित्र बाइबल में से आदि और अंत, ये लिखित वचनों के बीच में ये समय का काम हमको देखने को मिलता है। अब ये लिखित वचन का आधार लेकर परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार वचन को बोल बोलकर वो लोगों ने उसको प्राप्त किया और लोगों ने उसको लिखा। तो ये वचन सारा लोगोस वचन है, ये लोगोस वचन, ये एक लिखित वचन है, सिर्फ लिखा हुआ वचन है, ये लोगोस है। और इसके अंदर से हम समय की शुरुआत को समझते हैं और समय का अंत जो आने वाला है उसको हम समझते हैं। तो लिखित वचन के लिए ये आदि और अंत ऐसा समय डाला गया है, लिखित वचन पवित्र वचन के लिए ये समय का आदि और अंत ऐसा समय डाला गया है, अल्फा और ओमेगा ऐसा समय डाला गया है, शुरुआत और अंत ऐसा समय डाला गया है, ये लिखित वचन के लिए। ठीक है, तो ये लिखित वचन की शुरुआत और लिखित वचन का अंत, ये वचन के आधार के लिए है, वचन की सहायता के लिए समय को डाला गया है। समझ में आया? तो यहाँ से हमको वचन का शुरुआत कहाँ से हुआ वो मालूम पड़ता है और वचन का अंत कहाँ होगा वो हमको मालूम पड़ता है। अब ये लोगोस वचन जब हम पढ़ते हैं, इस वचन का जब वो रेमा में परिवर्तित होता है, यानी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जीवित कर दिया गया अगर हमारे अंदर समझ में, तो वो रेमा वचन बन जाता है और वो रेमा वचन हमारे काम आता है। तो परमेश्वर का वचन हमारे काम कभी आता है? जब ये लिखित वचन में से, लोगोस वचनों में से जब रेमा में परिवर्तित होता है तो वह हमारे काम आ जाता है। इसके लिए हमको अपने आप को वचन सुनाना है, इसके लिए हमको अपने आप को गीतों के द्वारा अपने आप को सुनाना है, समझाना है, हमको अपने आप के साथ कम्युनिकेशन करना है, बात करना है, क्योंकि कभी वो लोगोस वचन रेमा में बदल जाएगा, हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम उस लोगोस वचन में से रेमा में उतरने की भविष्यवाणी करते रहते हैं। हम अपने ऊपर अपने आप के साथ बातें करते रहने की वजह से वो लोगोस वचन रेमा में बदलते जाता है और उस वचन का काम हमारे लाइफ में होने लगता है। वो हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा का नशा में हमको भरते जाना है, वो लोगोस में से रेमा में बदलते जाना, ये हमारे अंदर पवित्र आत्मा भरते जाने का काम होता है। और वहाँ हम गीतों के द्वारा हम खुद को गीत सुनाते हैं, हम खुद को एनकरेज करने वाले गीत सुनाते हैं, हम खुद को सुसमाचार देने वाले गीत सुनाते हैं, हम खुद के लिए गाते हैं, हम खुद के साथ बात कर रहे होते हैं गीतों के शब्दों के द्वारा। तो यहाँ पे वो हो जाता है कि रेमा में बदल जाते हैं हमारे शब्द वचन और वो सारे चीज़ें परमेश्वर के आत्मा से भरने के काम आ जाता है। ऐसा करने की वजह से आपका अकेले में ज़्यादा समय बीतेगा और आप अकेले के साथ बात करने में और परमेश्वर के गहरी बात को आप वचन के अंदर से गीतों के शब्दों के द्वारा और अपने अंदर धुन बनाते हुए आप अपने सहारा बनते हैं, आप अपने आत्मिक जीवन का सहारा बन जाते हैं। वो आत्मिक जीवन का सहारा वो आपके अंदर भर रहा है पवित्र आत्मा का, वो परमेश्वर का, वो आत्मा आपके अंदर ज्वलंत होते जा रहा है, भरता जा रहा है, आप रेमा वचन में बदलते जा रहे हैं। ये तरह से फिर आपके अंदर परमेश्वर का जो अगम्य ज्योति है वो हमारे सारे हमारे व्यक्तिमत्व में से, पर्सनालिटी में से, वो पवित्र आत्मा का नशा का सारा बहाव हमारे सारे चरित्र में बहने लगता है, वो हमारे सारे सोच में से बहने लगता है। तो आपको खुशी होना चाहिए, तसल्ली होना चाहिए कि आप अपने अंदर अकेले में समय बिताने का इतना बड़ा काम आपको दिया गया है कि आपको बोला गया निरंतर पवित्र आत्मा के नशा से आपको भरे रहना है, उसके धुन में भरे रहना है, उससे अलग नहीं होना है।
तो आप कम से कम मूर्खता करने वाले जगत के अंदर के सारे व्यवहार में से आजाद हो जाते हैं, और जो सही रास्ता है, सही मार्ग है, उसके अंदर आप पगलाए हुए दिखाई दे तो भी चलेगा। उसके अंदर आपको मूर्ख कहा जाए, मैड कहा जाए तो भी परवाह नहीं है, आपको जो कहा जाए कहने दीजिए, लेकिन ये सच्चाई है। और ये सच्चाई के साथ साथ आप सही रास्ता चल रहे हैं और आप सही डेस्टिनी में पहुंचेंगे। इससे बड़ी बात दुनिया के अंदर और कुछ भी नहीं है मसीहों के लिए कि पवित्र आत्मा में एक नशेड़ी के समान हमको भर जाना है, और भर जाना नहीं है, भरते रहना है। जैसा एक के ऊपर एक प्याला लगाते रहना है, एक के ऊपर एक प्याला हमको पीते रहना है, एक के ऊपर एक हमको चढ़ाते रहना है नशा परमेश्वर के आत्मा का। वो नशा चढ़ाते 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 इतना चढ़ जाना चाहिए कि अगर वो हमको लगता है कम हो रहा है तो दोबारा से चढ़ाना है। उसके कारण हमको अपने लिए खुद को गीत गाता रहना है, उसके लिए हमको खुद के ऊपर परमेश्वर के भविष्यवाणियों को बोलते रहना है, उसके कारण हमको परमेश्वर के जो लोगोस वचन है वो उठा उठा कर अपने ऊपर बोलते रहना है। ये पवित्र आत्मा से भरने में काम करता है। हम दूसरे मसीहों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है और ना ही जगत के लोगों के ऊपर डिपेंड रहना है कि हमें कुछ बनाए वो लोग, या हमारी तसल्ली में वो कुछ हमारे आधार में फेवर करे। नहीं, हमने खुद अपने आप को फेवर करना है, हमने खुद अपने अंदर की तसल्ली बनाना है, अपने अंदर बातें कर करके परमेश्वर का संगति में हमारा सब कुछ प्राप्त होते रहता है, वो हमको प्राप्त करते रहना है। हमारा आत्मा बलवंत होता जाता है और आत्मा का, परमेश्वर के आत्मा का भरते रहना हमारे अंदर, वो हमारे अंदर का परमेश्वर का अग्नि अगम्य ज्योति का पर्सनालिटी परमेश्वर हमारे अंदर से बनाना चाहता है, वो बनते जाता है। वो पवित्र आत्मा का नशा हमारे अंदर बनाए रखना है, उससे हमें अलग नहीं होना है। अभी से आप जब भी गीतों को गाते हैं तो ये मत समझिए कि आप लोगों के लिए गा रहे हैं, ये मत समझिए कि आप परमेश्वर को के लिए गा रहे हैं, कि आप मन में देख रहे हैं कि मैं परमेश्वर को बोल रहा हूँ ये बातें। वो बातों की परमेश्वर को ज़रूरत नहीं है, वो बातें हम खुद अपने अंदर के जो जो अगम्य ज्योति है उसके साथ हम गीतों के द्वारा बात कर रहे होते हैं। जब हम गीतों को गाते हैं तो हमारे अंदर के अगम्य ज्योति के साथ हमारा वार्तालाप हो रहा होता है, कम्युनिकेशन हो रहा होता है, इंटरैक्शन हो रहा होता है, और वहाँ हमारा नशा चढ़ जाता है, वहाँ पवित्र आत्मा का नशा हमारे अंदर भरने लगता है, और वो नशा हमारा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर हमको लगता है कम हो रहा है तो हमें तुरंत उस अभिषेक में, उस नशा में, पवित्र आत्मा के नशा में फिर से ऊंचा उठ जाना है। ये है कि हमने खुद के साथ कम्युनिकेशन करना है, ये है कि हमने खुद वचनों को हमारे ऊपर बोलना है, ये है कि खुद हमारी तारीफ करना है, खुद हमारे ऊपर परमेश्वर के बोल को बोलना है, खुद हमारा फेवर करना है, हमने खुद परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रखना है, ये खुद हमने खुद अपने साथ का इंटरैक्शन बढ़ाना है। वो आत्मा में जो नशीलापन हमारे अंदर परमेश्वर का होना चाहिए वो बढ़ाता जाता है। यही कारण है कि उसने हमारा रूप, मनुष्य का रूप धारण किया, और उसने दास के मनुष्य के समानता में हुआ, दास के स्वरूप में हो गया, और उसने अपना जो अगम्य ज्योति है वो हमारे अंदर उंडेल दिया है। अब वो अगम्य ज्योति का हमारा कनेक्शन, हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये हमने संभाल के रखना है। इसमें हमारे शरीर को बहुत सभ्यता का जीवन देने का कोशिश नहीं करना है, हमको परमेश्वर के लिए खोल देना है अपने आप को, और पूरी तरह से नशे में जैसा धुत इंसान रहता है वैसा हमारे अपने आप के साथ रिश्ता रखना है। अपने अंदर परमेश्वर का अगम्य ज्योति है ये याद रखते हुए उस अगम्य ज्योति के साथ आपका वार्तालाप होना है, आपका कम्युनिकेशन होना है। अगम्य ज्योति मेरे अंदर है, परमेश्वर ने अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर मसीह यीशु के अंदर जो अगम्य ज्योति था वो मेरे अंदर उंडेला गया है, वो मेरे अंदर डाला गया है, वो मेरे अंदर निवास कर रहा है, मैं उसके साथ बात करता हूँ, मैं उसका सहारा लेता हूँ, वो मेरा सहायक है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरी मुश्किलों को हल करेगा, वो मेरे रास्तों को बनाएगा, वो अगम्य ज्योति मेरा सारा जवाब है, वो अगम्य ज्योति में शक्ति है, सामर्थ्य है मुझे चंगा करने की, वो अगम्य ज्योति इस सृष्टि के अंदर कोई भी शक्ति उसके साथ सामना नहीं कर सकता है, वो अगम्य ज्योति मेरे अंदर रुका हुआ है, वो अगम्य ज्योति के साथ मेरा जिंदगी चल रहा है। आपको इस तरह से अपने अंदर अगम्य ज्योति का, वो परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहने वाला वो परमेश्वर के साथ आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट बनता जाता है, मसीह यीशु के कबूली के द्वारा, मसीह यीशु के
जो वचनों को हम कबूल करते रहते हैं, उसके बोले गए वचनों को जब हम बोलते रहते हैं, तब ये अगम्य ज्योति का हमारे अंदर का उंडेला जाना काम करने लगता है। ये ऐसा है कि अदोनाई अदोनाई के साथ बात कर रहा है, परमेश्वर परमेश्वर के साथ बात कर रहा है। उस तरह से हमारे अंदर का मनुष्य, हमारे अंदर अगम्य ज्योति के साथ बात करना है, हमारा मुंह इस्तेमाल करना है, हमारे एक्सप्रेशंस को हमने उसके ऊपर इस्तेमाल करना है, हमारे इमोशंस को उसके साथ हमने शेयर करना है, हमने अगम्य ज्योति के साथ कम्युनिकेशन करके हमारा संगति बढ़ाना है। और ये पवित्र आत्मा का फेलोशिप है, इसे सहभागिता कहते हैं। पवित्र आत्मा के सहभागिता में हमने बढ़ते जाना है, वो नशा चढ़ता जाएगा, अगम्य ज्योति का प्रभाव हमारे ऊपर चढ़ता जाएगा और लिटरली हमारा शरीर जैसे नशेड़ी झूमता जाता है, चलता है तो सीधा नहीं चल पाता है, वो लड़खड़ाता हुआ जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी बनी रहेगी, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ही परमेश्वर चाहता है। पवित्र वचनों में यही लिखा है, पत्रियों में, कि अगम्य ज्योति के को जलाए रखना है, उसको हमने बुझने नहीं देना है। वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के नशा में बने रहने की वजह से वो अगम्य ज्योति हमारे अंदर काम करता रहता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी एकत्रित, इकट्ठे, लेकिन अलग चरित्र के साथ तीनों भी है। और ये लोगों, ये तीनों जन मिल के एक प्रजा को तैयार कर दिए हैं। हम वो प्रजा है, हमारे अंदर उसने अपना प्रजा को तैयार किया है। जैसा वो है वैसा उसने हमको तैयार किया। वो अगम्य ज्योति में रहता है, उसने हमको अगम्य ज्योति में बना दिया। वो अगम्य ज्योति के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, उसने अगम्य ज्योति हमारे अंदर रखा, हम अपने अंदर से अगम्य ज्योति के साथ कम्युनिकेशन करते रहना है। अगर ये बातें आपके सभ्य मनस्थिति को नहीं जचती है, आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा तो हम नहीं कर सकते, ये तो सही नहीं लगता है, तो आपकी मर्जी, लेकिन इसके बाहर कोई भी सच्चाई नहीं है। हमारे अंदर परमेश्वर ने जो काम रखा है वो यही है कि हमको जो अगम्य ज्योति हमारे अंदर रखा है उसके साथ हमारी सहभागिता को बढ़ाना है, उसके वार्तालाप, उसके साथ कम्युनिकेशन, उसके साथ हमारा सारा बॉन्डेज रहना चाहिए, उसके संगति में हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारा सहारा उसी से आता है, हमारी सारे दुख दर्द उससे बांटना है। और उसके संगति में हम जब गीतों को गाते हैं, हम धुन बनाते हैं, तो सब हमारे अंदर अगम्य ज्योति है। हम अपने अंदर के लिए ही ये सारी बातें कर रहे होते, हम खुद के लिए ये सारी बातें कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों में अगर आपको मूर्खता लगता है तो आपकी मर्जी है, लेकिन इसके अलावा दूसरा सच्चाई नहीं है। हमारे अंदर से हमारा कम्युनिकेशन हमें बनाते जाएगा और वो पवित्र आत्मा का नशा हमें चढ़ाता जाएगा, और वो चढ़ाते रहने का हमको बोला गया है वचन के अंदर। इससे तुम कम नहीं हो जाना है, इसमें तुम बढ़ते ही जाना है, पवित्र आत्मा के नशा में बढ़ते ही जाना है। हम यूहन्ना के सुसमाचार का पहला अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का पहला अध्याय का पहला वचन बताता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और एक बार देखिए, यहाँ समय बताया जा रहा है। यहाँ पे देखा गया तो ये वचन बता रहा है कि आदि में वचन था, और अगर उत्पत्ति में देखेंगे तो आदि में सृष्टि के बारे में बताया, आदि में स्वर्ग और पृथ्वी को परमेश्वर ने सृष्टि किया। आदि वहाँ का जो है वो आपको सृष्टि बनाया, जिस जो वो समय को बता रहा है, सृष्टि का समय बता रहा है, आदि में सृष्टि का समय बता रहा है। और यूहन्ना का पहला अध्याय का पहला वचन जो है वो सृष्टि बनाया किसने उसके बारे में बता रहा है। तो ये सृष्टि को बनाने वाला कौन है? आदि में वचन था, यानी शुरुआत में वचन के द्वारा वो सृष्टि बनाया गया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन परमेश्वर है, वचन परमेश्वर के साथ था, यानी इसका मतलब अगर हमको शुरुआत देखना है, परमेश्वर कहाँ से शुरू हो गया अगर हमको देखना है, यानी हम उसका समय नहीं लगा सकते, लेकिन हम इतना देख सकते हैं कि जब सृष्टि बना रहा था परमेश्वर, तो वो परमेश्वर कौन था? वो वचन था।
हम ये देख सकते हैं योना के पहले अध्याय के पहले वचन से, ठीक है, कि अगर बोल रहा है परमेश्वर कि उत्पत्ति पहले अध्याय में पहले वचन, आदि में स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर कौन था ये हमको योहन्ना का सुसमाचार बताता है। पहला अध्याय पहला वचन, वो परमेश्वर वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अब यीशु मसीह और पतरस के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसके द्वारा हम परमेश्वर की एक प्रभु यीशु के साथ, मतलब प्रभु यीशु क्या कर सकता है उसके बारे में आपको बता देते। यहाँ पतरस पूछता है, तूने मेरे बारे में तो बता दिया कि मेरा भविष्य कैसा रहने वाला है, अब तो ये बता ये जो चेला है इसके बारे में तू क्या कहता है। तो वो यीशु मसीह बोलता है, तुझे इससे क्या लेना देना है, अगर मेरी मर्जी है तो वो मेरे आने तक जिंदा रह सकता है, मैं उसे जिंदा रखूंगा, तुझे क्या करना है उससे। यानी आपको यहाँ पे एक एक झलक मिल जाता है कि परमेश्वर इस सृष्टि के अंदर के अवस्थाओं के साथ कोई भी लिमिट में बांधा हुआ नहीं है। ठीक है, प्रभु यीशु का मर्जी बोल रहा है, पर प्रभु यीशु अपनी मर्जी को बता रहा है पतरस को, अगर ये मैं चाहूँ कि ये इंसान मेरे आने तक जिंदा रहे तो तुझे इससे क्या लेना देना। समझ में आ रहा है, यानी प्रभु यीशु के पास वो पावर है, वो अथॉरिटी है, परमेश्वर ने वो अगम्य ज्योति का अथॉरिटी उससे अलग नहीं किया है, वो बता रहा है अगर मेरा मर्जी है तो इंसान मरेगा ही नहीं, जब तक मैं आता हूँ दोबारा तब तक वो मरेगा नहीं। यानी इसका मतलब क्या बनता है कि जो सृष्टि के अंदर घटनाएं होती है उस घटनाओं के बारे में प्रभु यीशु मसीह कुछ भी बदलाव कर सकता है, उसके मर्जी से कर सकता है, उसके मर्जी अगर है तो वो करता है वैसा बदलाव को। तो इसका मतलब हमको ये ध्यान रखना है कि उसको मारने वाला कोई नहीं है, ओके, उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है, उसके ऊपर चढ़ने वाला कोई नहीं है, ये यहाँ पे ये साबित करता है। और यहाँ पे ये पूरे सृष्टि के अंदर के पावर्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकते हैं, एक दूसरे को कुछ भी नुकसान कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु को वो नुकसान नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसका अथॉरिटी बताता है कि अगर मैं चाहूँ तो ये इंसान जिसके बारे में तू पूछ रहा है मेरे आने तक मैं उसको मरने नहीं दूंगा, उसको जिंदा रखूंगा। इसका मतलब दुनिया के अंदर ऐसे इंसान रह सकते हैं जो मरेंगे नहीं, जिसको जिंदा रखा जा सकता है। समझ में आया? और किसके बस में है ये बात? प्रभु यीशु के बस में है, प्रभु यीशु के हाथों में है। प्रभु यीशु ने बोला मेरी मर्जी, अगर मैं चाहूँ तो ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो सृष्टि के अंदर का कोई व्यवस्था के नीचे हम दबे हुए नहीं हैं। अगर हम प्रभु यीशु की सहायता मांगेंगे तो इस सारे सृष्टि के सारे नियमों के पार वो हमारे साथ बर्ताव कर सकता है, वो सारे नियमों को तोड़कर हमारे लिए रास्ता बना सकता है, वो सारे अवस्थाओं को पलटे दे के वो हमारे लिए कुछ भी बदल के दे सकता है। तो आपको उसका महत्व समझ में आना चाहिए। अगम्य ज्योति सृष्टि के अंदर के अवस्थाओं पे डिपेंड नहीं है, ओके, सृष्टि के अंदर रहने वाला सब कुछ जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन प्रभु यीशु अगम्य ज्योति जो है वो इन सृष्टि के अंदर के कोई भी अवस्थाओं के ऊपर डिपेंड नहीं है। वो अपने अंदर से निर्माण करता है, सृष्टि करता है, वो अपने अंदर से फैसला ले सकता है उसको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। इसलिए हम लोग कभी भी किसी भी बात से कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में कमज़ोर नहीं देखना है अपने आप को। हमारे साथ जो परमेश्वर है वो अगम्य ज्योति में निवास करने वाला परमेश्वर है, और इस सृष्टि के दिन और रात के साथ उसका कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है। इस सृष्टि के अंदर के कोई भी अधर्म अनीति का कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं है। किसी भी प्रकार के कोई भी घटनाएं जो भी होती है इस सृष्टि के अंदर उसका कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि अगम्य ज्योति इन सब दबावों से अलग है। ये दबाव को वो दबा सकते हैं, ये दबाव को वो कुचल सकता है, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, अगम्य ज्योति हमारे अंदर रहता है। वो अगम्य ज्योति के साथ आपका कनेक्शन है, उसको बरकरार रखना है।
इसके लिए हमको फिर कोई ऐसा ये नहीं देखना है आज का दिन कौन सा है, आज का वीक कौन सा है, वार कौन सा है, आज का समय कौन सा है, आज का मून फेसेस क्या है, आज कौन सा कलर चाहिए, आज कौन सा आवर में क्या करना चाहिए, कौन से घड़ी में क्या करना चाहिए, ये हमारे कोई भी काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ों को उलट देने वाला पावर्स इस सृष्टि के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इनका सहारा लेके हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तो इनके विरोध में जाने वाले पावर्स अवेलेबल है, जैसे निसर्ग में ऐसा रचना किया गया है। अगर कोई गलत चीज़ें हम इस्तेमाल करने लगेंगे, उसको ओवर पावर करने वाले दूसरे पावर्स अटैक करने लगेंगे, ठीक है। तो इनके अंदर का हमारे साथ कोई भी उठना बैठना नहीं होना चाहिए, इसके साथ हमारा विश्वास जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई काम नहीं करेगा, हम फेल हो जाएंगे ये सारे काम करके, और आखिरी में हमको ये सोचना पड़ेगा सच्चाई क्या है फिर, अगर ये काम नहीं करता है तो सच्चाई क्या है। ओके, तो ये सच्चाई है कि अगम्य ज्योति हमारे अंदर निवास करता है, उसका किंगडम अलग है, उसका राज्य अलग है, उसके बातें अलग है, उसने दिया हुआ रास्ता यही है, पवित्र आत्मा के नशे में भरते जाओ, ठीक है। हम कैसे भरना है वो मैंने पिछले सारे रिकॉर्डिंग बात कर रही थी तभी प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल बता रहे कि वो सारी बातों को अभी आपको पता चल गया। हमारा मकसद है पवित्र आत्मा के सहभागिता में ही बढ़ते जाना है, फिर हम कोई भी किसी भी समय असमय कहाँ पर भी कैसे भी रहे, हमारे अंदर का वार्तालाप हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा, हमारे सारे चीज़ों में परमेश्वर का आत्मा का बहाव जो नशे के समान है हमारे अंदर बढ़ता रहेगा। आमीन। तो आपको मालूम पड़ना चाहिए आप कौन से परमेश्वर को जानते हैं। सृष्टि के अंदर के कोई परमेश्वर को नहीं जानते हैं आप, जो परमेश्वर को जानते हैं वो सृष्टि को सृष्टि करने वाला परमेश्वर, निर्माण करने वाला, उत्पन्न करने वाला, उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर को जानते हैं। जो उत्पत्ति करता है उस परमेश्वर को जानते हैं, और जो उत्पत्ति हो चुकी है उसके अंदर आपके लिए कोई परमेश्वर नहीं है। कभी उत्पत्ति किए हुए बातों के ऊपर आपका भरोसे का टेक नहीं लेना है। अब हम उसको देखेंगे कि परमेश्वर ने भजन संहिता में ऐसा लिखा है, वचन ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर है उस उन सारे नामों से ऊंचा नाम, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे परमेश्वर ने वचन को कितना महत्व दिया है। यहाँ पे नामों के बारे में बोला है, सारे नामों से श्रेष्ठ जो नाम है, ऐसे सारे नामों से ऊंचा नाम, ऐसा परमेश्वर का नाम है। ये सारा चीज़ हम देख रहे हैं, उसको ऊंचा स्थान दिया गया है नाम को। लेकिन वचन के बारे में उसने यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही वचन, ये परमेश्वर जो है उसने ही उत्पत्ति का पहला वचन हमको बताया कि आदि में क्या बनाया, इस वचन ने, इस वचन ने आदि आदि में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, ठीक है, यही वचन ने बनाया। अब ये वचन को हम देखते हैं, क्योंकि हमने ये तो देख लिया परमेश्वर का नाम, सारे नामों से ऊंचा नाम अगर कोई है तो वो परमेश्वर का नाम है, उसकी ऊंचाई को हमने देखा। अब वचन की गहराई क्या काम करती है उसको हम देखेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर कहाँ उत्पन्न को, किसने उत्पन्न किया, वहाँ हम खोज करते हुए चल रहे हैं। तो हमको एक तो पता चला कि वो अगम्य ज्योति में रहता है, अब वो भी पता चला कि अगम्य ज्योति यीशु मसीह में था, यीशु मसीह ने उंडेल दिया हमारे अंदर उस अगम्य ज्योति को, हम सब मसीह मिल के यीशु मसीह का देह बन जाते हैं। यहाँ तक तो पहुँच गए, हमने पवित्र आत्मा के नशे में भरते जाना है ये भी हमको पता चला, हमने ये भी देखा कि आदि में ये था, अंत में ये होने वाले अल्फा और ओमेगा यीशु मसीह है, ये सब हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये समय हमारे लिए है। ये बाइबल को बताता है, पवित्र बाइबल का शुरुआत कहाँ से हुआ और पवित्र बाइबल का अंत कहाँ पे होगा, ये हमको ये समय बताता है, आदि और अंत। ये आदि और अंत के अंदर हमको पता चलता है जो वचन दिया गया है वो लोगोस वचन है। ये लोगोस वचन में से अगर हम पढ़ते रहेंगे, अपने आप परमेश्वर का वचन हमारे कम्युनिकेशन में, वार्तालाप में, हमारी संगति में आते जाते वो सब जगह से हमारे लिए वो काम करना शुरू होगा। वो उस में काम करता है जब वो लोगोस में से बदलता है, जीवित हो जाता है और रेमा में बदल जाता है वो,
ठीक है, ये परमेश्वर के आत्मा के नशा में भरते रहने का इंतजाम है हमारे लिए। अब पवित्र आत्मा के नशा में भरते जाते हैं, अब यहाँ पे हमको पता चलता है सारे नामों से ऊंचा नाम परमेश्वर का नाम कहा जाता है। लेकिन ये जो परमेश्वर कहा गया है, ये नाम परमेश्वर ऐसा नहीं कहा गया है, सारे नामों से ऊंचा नाम कहा गया है, लेकिन नाम परमेश्वर है ऐसा नहीं कहा है, वचन परमेश्वर है ऐसा कहा गया है। तो हम नामों के बारे में तो जानते हैं, सारे नामों से ऊंचा नाम परमेश्वर का नाम है, ठीक है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है, वो नाम है। वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर था, यानी परमेश्वर को हम देखना चाहते हैं तो नाम परमेश्वर नहीं है। नाम सब नामों से ऊंचा है, लेकिन असलियत में परमेश्वर वचन है, ठीक है। उस वचन के बारे में हम प्रकाशित वाक्य में देखेंगे। नाम एक जगह पर रखा परमेश्वर ने, लेकिन उस नाम के परे उसने वचन को ज़्यादा महत्व दिया है। इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है, परमेश्वर ने नाम का वैल्यू रखा है, लेकिन नाम को परमेश्वर नहीं बोला है। नहीं तो उसने बोला होता, ये नाम जो है ना ये परमेश्वर है, ऐसा बोला होता नहीं। उसने वैल्यू किसको दिया? वचन को वैल्यू दिया। उसने वचन में क्या बताया? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो हमको नाम के पीछे नहीं दौड़ना है, नाम तो सबसे ऊंचा ही नाम है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको देखना है तो वो कौन है? वचन है। अगर हमको जानना है वो कहाँ रहता है तो वो अगम्य ज्योति में रहता है। अगर हमको जानना है ये अगम्य ज्योति में से यीशु मसीह आया, उसके अंदर की अगम्य ज्योति हमारे अंदर उंडेली गई है, तो हम मसीह के देह बन गए, हम मसीह के अंग हैं, सारे मसीह एक, हम यीशु मसीह के अंग हैं और सारे मसीह एकत्रित हो जाएंगे तो यीशु मसीह का देह बन जाएंगे। हमको पवित्र आत्मा के नशा में बढ़ते जाने के लिए कहा है, हमको एक अंदर ही अंदर अगम्य ज्योति के संगति में बने रहने के लिए कहा गया है। खुद अपने साथ परमेश्वर के वचनों के साथ बातें करना है, भविष्यवाणियों को बोलना है, गीतों को गाना है, अपने खुद को बोलना है, सारी चीज़ें इसमें पवित्र आत्मा का नशा हमारे अंदर चढ़ता जाता है। कम नहीं होना चाहिए, अगर कम होने लगा ऐसा लगता है तो दोबारा हमने उसको पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने परमेश्वर के नशेड़ी बन जाना है, ठीक है। इसके अंदर हमारा सभ्यता का जीवन काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा शरीर क्रेजी दिखाई देगा, मूर्ख जैसा, मैड पर्सन जैसा दिखाई देगा, पूरी असभ्यता हमारे शरीर से दिखने लगती है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जैसा हमारे शरीर को रखना चाहता है वैसा रखे। आपको उसकी चिंता नहीं करना है, अपने आप को आपने सीमित नहीं करना है। यह ऐसा करने की वजह से ही परमेश्वर का नशा हमारे अंदर से बढ़ता जाता है, क्योंकि वो हमारे अंदर काम करना चाहता है। जब हम उसके सारे माहौल के अंदर हम घूम जाते हैं, पूरी तरह से खो जाते हैं उसके माहौल के अंदर, हमारा नशा और ताज़ा और बढ़ता जाता है, और वही परमेश्वर को चाहिए। और ये बात भी आपको पता चल गया, यीशु मसीह कहता है अगर मैंने अगर चाहा तो मैं इस चेले को मरने भी नहीं दूंगा, मेरे आगमन तक मैं उसको जिंदा रखूंगा, तुम लोगों को इससे क्या। यानी वो सारे सृष्टि के नियम के पार वाला परमेश्वर का काम है, मतलब ये सृष्टि के नियम उसको किसी भी नियम के अंदर दबा के नहीं रख सकते, पकड़ के नहीं रख सकते, उसको आज़ादी है, उसके मर्जी के हिसाब से वो कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये सृष्टि उसको रोक नहीं सकती, ओके। तो ये सृष्टि के अंदर हमारा कोई परमेश्वर नहीं है, ठीक है, ये सृष्टि के दबाव के नीचे हम नहीं हैं। अब हमको ये ध्यान रखना है, वचन को परमेश्वर कहा गया है, वचन के बारे में परमेश्वर क्या बोलता है, अब वचन का वैल्यू हमको देखना है। वचन के बारे में, नाम सारे नामों से ऊंचा है बोला, लेकिन परमेश्वर वचन है, तो वचन परमेश्वर है, इसी वचन ने सृष्टि को बनाया है, यही वचन हमको समय बता रहा है, यही वचन से सब कुछ बनाया गया, सब कुछ जो है वो सब कुछ वचन ही से बनाया गया है। तो हमको ये वचन को देखना है, ये वचन एग्जैक्टली परमेश्वर है और ये वचन अगम्य ज्योति में निवास करता है, ठीक है। अब ये वचन का हमको ध्यान करना है, देखिए क्या लिखा है नाम के बारे में।
ऐसा भी बोला गया, हर घुटना टीकेगा, हर जुबान कबूल करेगी, प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। हर एक जो भी यूनिवर्स के अंदर है, सृष्टि के अंदर, पाताल, जो भी पृथ्वी, समंदर, आकाश, स्वर्ग, स्वर्गों का स्वर्ग, सब कुछ, जो कुछ भी बनाया गया है, वो सब कुछ सृष्टि किया गया यीशु मसीह के नाम, नाम के आगे घुटना टेकेंगे। समझ में आया? तो नाम के आगे घुटना टेकेंगे यानी उनका पावर वो लोग छोड़ना ही पड़ेगा उनको यीशु मसीह के सामने। वो पावरलेस खड़े रहेंगे, वो अपनी पावर को, अपनी ताकत को, वो अपने इरादों को सफल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे नाम का आपको इस्तेमाल करना मालूम पड़ गया। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी, यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। अब वचन के बारे में देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य का 19 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 13 वचन, जब लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। याद रखिए, यहाँ पे नाम किसको कहा गया है? हम बोलते हैं ना, सारे नामों से ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। और हर एक घुटना टेकेगा प्रभु यीशु मसीह के सामने, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगा, यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह। अब यहाँ पे वचन परमेश्वर था और नाम को ऊंचा किया गया है, तो ये वचन क्या बताता है? देखो, प्रकाशित वाक्य का 19 अध्याय का 13 वचन, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है, ठीक है। तो यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, यीशु मसीह का नाम नामों से ऊंचा, सारे नामों से ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। ओके, वो नाम कौन था? वो नाम परमेश्वर का वचन था। समझ में आया? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, ठीक है। तो वो यीशु मसीह, वो वचन परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर का वचन, वो नाम है। समझ में आया? इसीलिए हम बोलते हैं सारे नामों से ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और वचन ही परमेश्वर है, और इसी वचन ने क्या किया? सृष्टि को बनाया। समझ में आया? यही वचन ने सृष्टि को बनाया, इसी वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया, जो भी बनाया गया है वो सब कुछ वचन ही से बनाया गया है, वचन के बिना कुछ भी बनाया नहीं है। अभी आप इतना सब सुनने के बाद में एक सवाल ज़रूर करेंगे, इतना तो सब आप बता रहे प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी, लेकिन आपने जो सवाल का प्रचार शुरू किया है, किसने परमेश्वर को बनाया, अभी तक तो उसका जवाब ही नहीं दिया है आपने। तो प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी बता रहे, वही बात मैं आगे लेकर जा रहा हूँ, मुझे याद है कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ अभी। यूहन्ना का सुसमाचार का पहला अध्याय का पहला वचन बताता है कि आदि में वचन था, यानी आदि में हम पढ़ते हैं कि सृष्टि किया गया। तो सृष्टि करने के वक्त में यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय में लिखा है, जो कुछ भी सृष्टि किया गया था तो वो सृष्टि वचन ही से किया गया है, शब्द ही से सृष्टि हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में यूहन्ना का सुसमाचार का पहला वचन बता रहा है, वो वचन खुद परमेश्वर ही था। ओके, और वो किसके साथ था? वो परमेश्वर के साथ था, वो खुद परमेश्वर ही था। समझ में आया? तो इसका मतलब वचन सृष्टि करने में काम कर रहा था, तो सृष्टि के पहले से वचन मौजूद था, क्योंकि वचन से सृष्टि की शुरुआत कर दी गई, वचन से सृष्टि को बनाना शुरू कर दिया गया। तो इसका मतलब शुरुआत से भी पहले वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था। ओके, तो हमको वचन का समय पता लगता है, जो सृष्टि किया था वहाँ वचन सृष्टि नहीं किया गया है, उस सृष्टि के पहले से मौजूद था वचन। ओके, उस सृष्टि से पहले मौजूद था प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। उस सृष्टि के पहले से मौजूद था वो नाम जो सारे नामों से ऊंचा नाम है, प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन कहा गया है।
ओके, तो प्रभु यीशु मसीह सृष्टि के वक्त पैदा नहीं हुआ, सृष्टि के समय में उसको सृष्टि नहीं किया गया है, परमेश्वर के साथ था वो और सृष्टि को सृष्टि करने से पहले से मौजूद था वो। ठीक है, यानी उसको और परमेश्वर को हम अलग नहीं कर सकते हैं, वो खुद परमेश्वर के साथ था। तो परमेश्वर कहाँ रहता था? अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर। तो सृष्टि के पहले से प्रभु यीशु कहाँ रहा करता था? अगम्य ज्योति में रहा करता था। किसके साथ रहता था? परमेश्वर के साथ रहता था। जब परमेश्वर ने बोला सृष्टि करते समय लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, तो ये जो परमेश्वर के साथ अगम्य ज्योति में निवास करने वाला, परमेश्वर के साथ रहने वाला जो शब्द था, जिसके बारे में यूहन्ना का पहला वचन बताता है, वो ही वचन जो निकला और उसने ये सृष्टि को शुरू किया। ओके, जैसा जैसा परमेश्वर बोलता गया वैसा वैसा ये वचन उसका पूरा करता गया। समझ में आया? तो यूहन्ना के पहले अध्याय में लिखा है जो कुछ भी सृष्टि किया गया है वो वचन ही से सृष्टि किया गया है, जो कुछ भी सृष्टि किया गया दिखाई देता है, वचन के बिना कुछ भी सृष्टि नहीं हुआ है, सब कुछ वचन ही ने सृष्टि किया है। तो हम क्या देखते हैं? पहला उत्पत्ति का वचन जो है वो ये बताता है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। तो ये परमेश्वर कौन है? ये परमेश्वर का वचन है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी सृष्टि किया गया है वो वचन ही से सृष्टि किया गया, और जब वो सृष्टि हो रहा था तो वचन ही उसका सृष्टि करता था, और वो वचन ही परमेश्वर था। समझ में आया? तो परमेश्वर को वचन से अलग नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। ठीक है, और वचन आदि से, वचन शुरू से, वचन सब कुछ करता हुआ आ रहा है। ठीक है, और ये सारी चीज़ों में प्रभु यीशु का महत्व हमको समझ में आता है। परमेश्वर का वचन, ठीक है, जिसने सृष्टि किया सब कुछ, वो सृष्टि करने वाला वचन अब देहधारी बन के पृथ्वी के ऊपर आया, लहू बहाया। उसके बारे में प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, उस मेमने के बारे में, उस वचन के बारे में, उसका नाम वचन, वो वचन परमेश्वर का नाम था। इसके लिए हम बोलते हैं सारे नामों से ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम, वो परमेश्वर का नाम है। ठीक है, तो वचन परमेश्वर का नाम है। समझ में आया? और वचन सबसे पहले परमेश्वर ही का साथ था और वो खुद परमेश्वर ही था। तो वचन कहाँ पे रहता था? अगम्य ज्योति में रहता था। वचन कहाँ पे रहता था? वचन अगम्य ज्योति में रहता था, और वचन पृथ्वी के ऊपर देहधारी होकर आया, जो हमने फिलिपियों में पढ़ा कि उसने अपने अंदर की अगम्य ज्योति को उंडेल दिया, उसको परमेश्वर के तुल्य रहने को अपने वश में नहीं रखा। अगर वो अगम्य ज्योति उसके अंदर रहती तो वो परमेश्वर ही इस पृथ्वी के ऊपर है, और परमेश्वर ने बोला अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर को कोई मनुष्य देख नहीं सकता है। उसको अगर वो पकड़ के रखता तो वो मनुष्य उसके बीच में नहीं रह सकते थे। ओके, तो उसको उंडेल देना पड़ा। तो उसने कहाँ उंडेल दिया? मनुष्यों के अंदर उसको उंडेल दिया। जो मसीही बन जाते हैं उनके अंदर अगम्य ज्योति प्रवेश करता है। ओके, वही मनुष्यों की ज्योति बना, और मनुष्यों के ज्योति बनने के बाद में, मतलब अगम्य ज्योति उनके अंदर प्रवेश करने के बाद में, अब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमको परमेश्वर के अगम्य ज्योति के संगति में, सहभागिता में रखता है। हम उसके सहभागिता में बने रहना है वचन के द्वारा। समझ में आया वचन का महत्व कहाँ पे है? वचन परमेश्वर का नाम है। वो वचन नाम जो परमेश्वर का, वो सारे नामों से ऊंचा नाम है। और वचन कहाँ रहता है? अगम्य ज्योति में रहता है। अब वो कहाँ पर है? वचन अब हमारे अंदर है, क्योंकि वो अगम्य ज्योति हमारे अंदर उंडेला गया है, और वो उंडेला गया अगम्य ज्योति को हमारे अंदर
परमेश्वर का आत्मा संभाल के रखता है। इसके लिए वचन के साथ हमारी संगति, सहभागिता वो पवित्र आत्मा के नशे में भरने की वजह से बनाए रखा जाता है, वो वचन हमारे अंदर बनाए रखा जाता है। इब्रानियों के पहले अध्याय का 3 वचन हम देखेंगे। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दहिने जा बैठा। और एक बार पढ़ेंगे इसको, इब्रानियों की पत्री 1:3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दहिने जा बैठा है। आपको बहुत ध्यान से इस वचन को अब समझना है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान में लेना है। वह उसके महिमा का प्रकाश यानि अगम्य ज्योति कैसा रहता है, उसके अंदर रहने वाला परमेश्वर कैसा रहता है, हमको ये प्रभु यीशु के द्वारा मालूम पड़ता है। अब दूसरी बात है, यहाँ लिखा है और उसके तत्व की छाप है वो, ठीक है। उसके तत्व की छाप यानि उसके पर्सनालिटी यहाँ पे जाहिर किया गया है। उसके पर्सनालिटी में, उसके कैरेक्टर में, परमेश्वर के कैरेक्टर में क्या है, परमेश्वर किस कैरेक्टर का है, उसका नेचर क्या है, उसके गुण क्या है, परमेश्वर क्या है असलियत में, अगर वो देखना है तो हम वचन वो उसका छाप है। ओके, वचन यानि प्रभु यीशु मसीह, वचन परमेश्वर के कैरेक्टर का छाप है, इमेज है वो। ओके, अगर प्रभु यीशु का कैरेक्टर हमको समझ में आ गया तो हम समझ सकते हैं कि अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर किस प्रकार का चरित्र अपने अंदर रखा है, कौन से गुण उसके हैं, किस प्रकार का उसका नेचर है। वो तत्व का छाप प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, ठीक है। अब ये जो परमेश्वर के तत्व की छाप बोला गया है, तो इसको एक उदाहरण प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी दे रहे हैं। ये बता रहे हैं अगर एक ईंट को इंसान बनाना शुरू करता है तो वो मिट्टी के ढेले को लेता है और उसको एक चौखट में रखता है ताकि उसको आकार मिले। तो अब वो चौखट ईंट बना रही है या मिट्टी ईंट बना रही है, आपको समझना है, हमको दोनों में से फर्क करना है। वो बनाने वाला क्या करता है, मिट्टी को लेता है, वो मिट्टी ईंट नहीं बन रही है, समझ में आया, वो मिट्टी ईंट नहीं बन रही है, उस ईंट का आकार वो उसको जिसके अंदर रखा जाता है चौखट में, वो चौखट का कारण है कि हम उसको ईंट बोलते हैं, नहीं तो हम उसको मिट्टी का ढेला बोलेंगे, है ना। तो वो चौखट उसका कारण बनता है कि वो ईंट ये नाम उसको मिल जाता है। अभी आपको आसान समझेगा कि आपको समझ में आता है ईंट मिट्टी से बनता तो है, लेकिन ईंट को आकार कौन देता है, ईंट को आकार देने वाला उसका चौखट रहता है, जो बक्सा रहता है उसके अंदर मिट्टी को दबा के रखा जाता है तभी वो आकार लेकर उसको ईंट कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या बन जाता है कि जो ईंट है वो परमेश्वर है, ठीक है, और उसको आकार जो मिलता है, उसके गुण जो दिखना है, उसका जो नेचर दिखना है वो प्रभु यीशु में दिखाई देता है। अब समझ में आया, क्योंकि जो मिट्टी है वो उसको जब तक वो चौखट में, वो बक्से में नहीं डाला जाएगा तो वो चौखट का आकार नहीं लेगा, वो बक्से का आकार नहीं लेगा, तो वो आकार नहीं लिया तो उसको ईंट नहीं बोला जाएगा, वो मिट्टी का ढेला कहा जाएगा। लेकिन उसके आकार ले लेने की वजह से वो एक ईंट ये नाम से पुकारा जाता है। तो उसका आकार क्या है, उसके गुण है, तो वो गुण किसके अंदर दिखते हैं, वो बक्से के अंदर दिखते हैं, वो बक्सा उसको आकार देता है, वो बक्सा उसको उसके गुण दिखाता है कि ये ईंट है, इसको ईंट कहा जाता है, इसको परमेश्वर कहा जाता है। मतलब परमेश्वर वचन के अंदर है, समझ में आया, मतलब वचन परमेश्वर का गुण बताता है, वचन परमेश्वर के साथ है, मतलब परमेश्वर का गुण परमेश्वर के साथ है, वो गुण वो नेचर प्रभु यीशु में झलकता है,
ओके, वो परमेश्वर का छाप होकर आया, यानी परमेश्वर के गुण को, वो तत्वों को, उसके पर्सनालिटी को, उसके कैरेक्टर को वो लेके आया, वो छाप होके हमारे इस पृथ्वी पे आया। अब वो छाप को देख के हम समझ सकते हैं कि ये सेम टू सेम परमेश्वर ऐसा ही है, जैसा प्रभु यीशु है वैसा ही परमेश्वर है, नेचर में, गुणों में, और अग्नि जो अगम्य ज्योति में रहने का जो गुण जिसका है, जिस प्रकार का कैरेक्टर वो रखता है, वो यीशु मसीह का कैरेक्टर उसमें से दिखाता है। ओके, यीशु मसीह का चरित्र दिखाता है कि वो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर किस प्रकार का कैरेक्टर रखता है, किस प्रकार का जीवन रखता है, किस प्रकार का नेचर रखता है, किस प्रकार से वो अपना अपनी अपनी जिंदगी को वो किस प्रकार से जीता है, हम यीशु मसीह के चरित्र से समझ सकते हैं। समझ में आया? तो यीशु मसीह वचन है और परमेश्वर का, जो परमेश्वर को किसने बनाया, अगर हम सोचेंगे ऐसा, ओके, परमेश्वर की सृष्टि किसने की, तो यहाँ पे वचन क्या बताता है कि आदि में वचन था, यानी परमेश्वर के बारे में बता रहा है वो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर खुद, वो वचन खुद परमेश्वर था। तो इसका मतलब वो, हमने प्रकाशित वाक्य में देखा कि जो नाम यीशु मसीह को दिया गया है वो क्या नाम है, वचन, परमेश्वर का नाम है। ओके, तो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का नाम है, और हम परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं, हम परमेश्वर को ढूंढते जा रहे हैं। समझ में आया? हम सोच रहे परमेश्वर को किसने बनाया, हम सोच रहे परमेश्वर को किसने निर्माण किया, किसने सृष्टि किया, तो ये वचन ने सृष्टि किया। समझ में आया? वचन परमेश्वर की सृष्टि किया है, वचन परमेश्वर की सृष्टि किया है, और उस परमेश्वर का नाम वचन है। समझ में आया? परमेश्वर को सृष्टि किया, परमेश्वर का सृष्टि बनाया, तो किसने बनाया, वो वचन ने बनाया। समझ में आया? वचन परमेश्वर की सृष्टि किया, तो वचन परमेश्वर की सृष्टि किया, इसका मतलब क्या बन जाता है कि परमेश्वर का नाम सृष्टि होने के बाद में क्या पड़ा, परमेश्वर का नाम वचन। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के सृष्टि होने के बाद में, ओके, परमेश्वर के सृष्टि किसने किया, वचन ने किया। ओके, वचन ने परमेश्वर के सृष्टि करने के बाद में परमेश्वर को नाम मिला, वो नाम क्या है, वचन, वचन परमेश्वर का नाम था। तो यहोवा बोलते हैं हम और अलग अलग नामों से पुकारते हैं उसको, लेकिन ये परमेश्वर के नाम नहीं है, परमेश्वर का नाम वचन है। समझ में आया? अभी परमेश्वर को सृष्टि करने वाला कौन है, वचन है, और ये वचन क्या है, खुद परमेश्वर है। अब आपको समझ में आना चाहिए, इससे गहरी बात और हल्के करके समझा नहीं सकते हैं। मूसा ने परमेश्वर को पूछा था, मुझे तो अपनी महिमा को दिखा, तो परमेश्वर ने मतलब उसने अपने कैरेक्टर को उसको बताया कि वो कैसा परमेश्वर है, उसके बारे में बताया। तो अब हम आराम से समझ सकते हैं कि यूहन्ना का पहला अध्याय पहला वचन बताता है आदि में वचन था, इसका मतलब आदि में परमेश्वर नहीं था। हमको ये बात को समझना है, आदि में परमेश्वर नहीं था, आदि में वचन था, हमको ये बात को समझना है। और प्रकाशित वाक्य से हमको समझ में आता है कि परमेश्वर का नाम वचन था। ओके, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर का नाम वचन परमेश्वर था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परमेश्वर अगर समझना है तो परमेश्वर चरित्र है, कैरेक्टर है। ओके, और वो चरित्र, वो कैरेक्टर बनाने वाला वचन है। समझ में आया? तो परमेश्वर चरित्र है, परमेश्वर कैरेक्टर है, परमेश्वर गुणों से भरा हुआ है, नेचर से भरा हुआ है, उसके स्वभाव से भरा हुआ है, वो स्वभाव बनाने वाला जो है वो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह है। समझ में आया आपको? तो सबसे पहला हमको ये समझ में आना चाहिए, जो वचन है उस, वो परमेश्वर को बनाया, यानी वो स्वभाव को बनाया।
समझ में आया, वो गुणों को बनाया, वो नेचर को बनाया। अब वो नेचर, वो गुण, वो स्वभाव, वो कैरेक्टर जो है, जिसको हम परमेश्वर बोल रहे हैं, वो क्रिएट किया गया है। और वो क्रिएट करने के लिए किसने क्रिएट किया उसको? वचन ने क्रिएट किया। और रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य का वचन हमको बताता है 19:13 कि वो वचन, जो वचन जिस जो कुछ क्रिएट किया उसको उसने नाम दिया, वचन परमेश्वर का नाम बन गया। समझ में आया? वो गुण जो तैयार किया उसका नाम वचन परमेश्वर का नाम बन गया। समझ में आ रहा है? अभी इसके बाद और एक बात आपको समझ में आना चाहिए, जो वचन है वो गुणों को ढांचा है। ओके, परमेश्वर के गुणों का ढांचा है, ठीक है। ये गुणों का ढांचा जो है, इसके अंदर कोई भी बैठेगा तो वो ढांचे में परिवर्तित हो जाएगा, परमेश्वर के गुणों में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आया? तो ये ढांचा वचन है। वचन, वचन का शुरुआत बताता है, आदि में परमेश्वर, आदि में वचन था, आदि में वचन था बोल रहा है वो। तो आदि में सबसे पहले वचन था, सबसे पहले परमेश्वर नहीं था। ओके, सबसे पहले वचन था। वचन सेकेंड स्टेप में बताया गया है, वो परमेश्वर के साथ था। ओके, यानी वचन अलग है, परमेश्वर के साथ होना अलग है। जब वचन गुणों को, एक वचन अपने ढांचे में, अपने ढांचे में कुछ बिठा लेगा, तो उसको निकाल के उसने बोला ये परमेश्वर है। ओके, और इसका नाम अब वचन है। ओके, तो हमारे साथ जो परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है वो वचन है। समझ में आया? और वचन प्रभु यीशु मसीह है, और वचन अगम्य ज्योति में रहने वाला है, और वचन नेचर ऑफ गॉड है, परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का संपूर्णता है। ओके, अब हम आगे सीखेंगे इसके। उत्पत्ति के पहले अध्याय में भी वही लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। और यूहन्ना के पहले अध्याय में लिखा है, जो कुछ भी सृष्टि किया गया है वचन ही के द्वारा सृष्टि किया गया है, कुछ भी वचन के बिना सृष्टि नहीं किया गया है। जो कुछ भी बनाया गया है बिना वचन के नहीं बनाया गया है। और सृष्टि करने का जो समय था, आदि का वचन जो बताया गया, उसमें लिखा है परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। यानी यही वचन जो है, जो परमेश्वर के साथ रह रहा था, जो खुद परमेश्वर ही था, यानी उसका स्वभाव, परमेश्वर जो स्वभाव है, ओके, परमेश्वर जो गुण है, परमेश्वर जो कैरेक्टर है, समझ में आया, परमेश्वर जो जो तरीके का है, वो रिफ्लेक्ट करता है प्रभु यीशु में। ओके, उसके उसकी छाप को वो अपने अंदर दिखाता है। समझ में आया? और ये जो छाप है, जब ये छाप को हम देखेंगे तो वो खुद अपने अंदर परमेश्वर है, वो खुद अपना एक परमेश्वर है। ओके, यानी परमेश्वर का तत्व, कैरेक्टर, ओके, परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का गुण, ओके, ये सारा मिला के एक ढांचा बन जाएगा। वो ढांचा जो है वो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर कौन है? वचन है। ओके, तो वचन के द्वारा ही सब कुछ निर्माण किया है। जब उत्पत्ति के पहले अध्याय में बोल रहा है कि परमेश्वर ने सृष्टि किया, तो वो परमेश्वर कौन है? वो वचन है। ओके, तो वचन ने सृष्टि किया। अब हम ये बात को देखेंगे कि परमेश्वर का नाम क्या है। परमेश्वर का नाम वचन है। समझ में आया? यानी फिर परमेश्वर कहाँ पे बैठ जाता है? ओके, परमेश्वर गुण है, नेचर है। ओके, उसको सृष्टि किया गया है। ओके, और उसका सृष्टि करने का जो आकार, जो उसके गुण बनाना है, जो उसका गुण तैयार होना है, वो ढांचा कौन है? उसके उसका ढांचा कौन है? यीशु मसीह है, वचन है। ओके, तो वचन के द्वारा ही परमेश्वर को बनाया गया है। और अब परमेश्वर, तभी परमेश्वर कहा जाता है, परमेश्वर उसको कहा जाता है जिसकी आराधना होती है। ओके, जिसकी आराधना नहीं होती है उसको परमेश्वर नहीं कहा जाता है। ओके, तो परमेश्वर आराधना के योग्य है।
परमेश्वर को वचन ने सृष्टि किया है, तो ये परमेश्वर क्या है? गुणों से भरा हुआ है, एटीट्यूड से भरा हुआ है, कैरेक्टर है वो, कैरेक्टर है, चरित्र है वो, परमेश्वर चरित्र है, वो चरित्र का ढांचा कौन है? वो चरित्र में किसने ढला उसको? वो चरित्र कैसा बना? वचन में से बना, अब ये चरित्र की हम आराधना करते हैं, ये चरित्र का हम वर्शिप करते हैं, ये इसीलिए हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर उसे कहा जाता है जिसको हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं, ठीक है, हम अपने आप को समर्पण दे देते हैं, पूरी तरह से उसके हवाले हम कर देते हैं, उसको हम परमेश्वर कहते हैं, ठीक है। हम किसी को भी अगर हमारा सब कुछ हवाला कर दिया, पूरी तरह से हम उसके ऊपर अपने आप को निर्भर कर दिए, तो वो हमारा परमेश्वर बन जाता है। तो परमेश्वर ऐसा रहता है जिसके ऊपर हम सारा कुछ निर्भर कर देते हैं, अपना सारा डिपेंडेंसी हम उसके ऊपर डाल देते हैं, हम उसको परमेश्वर कहते हैं। कोई भी परमेश्वर के वचन की आराधना नहीं करता है, कोई भी परमेश्वर के वचन को परमेश्वर नहीं कहता है, मतलब वचन का कोई वर्शिप नहीं करता है, वचन का कोई आराधना नहीं करता है। सब जन किसी को भी पूछो तो वो बोलता है हम परमेश्वर की आराधना करते, कोई ये नहीं कहता है कि मैं वचन का आराधना कर रहा हूँ। यानी वचन ढांचा है, परमेश्वर के गुणों को तैयार करने वाला ढांचा है, परमेश्वर गुण है, नेचर है, वो तैयार कर दिया गया है, लेकिन उसको तैयार करने का ढांचा में से तैयार किया गया, वो ढांचा जो है वो यीशु मसीह है। तो परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं, उसके गुणों की हम आराधना कर रहे हैं, उसके नेचर की हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हम वचन की आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं, उसके गुणों के ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं, उसके कैरेक्टर के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं, अपने आप को पूरी तरह से सौंप देते हैं, समर्पित करते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि हम वचन की आराधना करते हैं, हम ये बोलते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इसके लिए प्रभु यीशु ने बोला कि तुम अगर मुझसे ज़्यादा अपने घर वालों से प्रेम करोगे, अपने बिजनेस से प्रेम करोगे, अपने परिवार बच्चों से प्रेम करोगे, तो तुम स्वर्ग के राज्य के लायक नहीं हो। यानी इसका मतलब क्या बनता है? वो हमारा परमेश्वर बन जाएगा, जिसको हम ज़्यादा समय देंगे वो हमारा गॉड बन जाता है, वो हमारा परमेश्वर बन जाता है। अब वचन को देखेंगे तो वचन हम जानते हैं, वचन को कोई आराधना नहीं करता है, वचन अकेला ही पड़ा रहता है। हम जो भी करते हैं वो परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर के गुण गाते, परमेश्वर के बारे में बातचीत करते, वचन अकेला ही पड़ा है। लेकिन हम वचन को देखेंगे तो आराधना करने लायक, वचन की आराधना करने लायक हमको वचन दिखता नहीं है। तो अब हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर आया कहाँ से, कैसे तैयार हुआ वो, क्योंकि वचन को कोई भी आराधना नहीं करता है, वचन का आराधक कोई नहीं है। हम सब बोलते हैं हम परमेश्वर के आराधक हैं, तो ये वचन से ही सब कुछ सृष्टि किया गया है, और परमेश्वर उसी को कहा जाता है जिसकी आराधना की जाती है, जिसके ऊपर डिपेंड हुआ जाता है, जिसके बारे में जिसके गुण गान किए जाते हैं, जिसके बारे में चर्चा की जाती है, और जिसके ऊपर निर्भर होना, डिपेंड होना भरोसेमंद लगता है, ठीक है, उसको हम परमेश्वर बोलते हैं। तो वचन के बारे में ऐसा अवस्था वचन ही ने क्रिएट किया, समझ में आया? तो वचन के बारे में ऐसी अवस्था वचन ही ने क्रिएट किया। इसके लिए वचन आदि में था, सबसे पहला जो था वचन था, और ये वचन के ही द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया, ठीक है। तो इसने सबसे पहले क्या सृष्टि किया? तो उसने सबसे पहले उसने स्वर्ग और पृथ्वी को निर्माण किया, यानी स्वर्ग दूतों को उसने निर्माण किया। अब स्वर्ग दूतों को निर्माण जिसने किया है, तो स्वर्ग दूत किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? अपने निर्माणकर्ता के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो अब उसको स्वर्ग दूतों से डिपेंडेंसी मिलने लगा, बनाया गया। जब स्वर्ग दूत बनाया गया तो स्वर्ग दूतों ने अपनी डिपेंडेंसी को बताया कि तू परमेश्वर है, तेरे हाथों में हम समर्पित है, क्योंकि तूने हमको बनाया है, तू हमारा रचना करने वाला है, और तेरे अलावा हमें किसी ने सृष्टि नहीं किया, हम तेरे ही अधीन है, हम तेरे ही गुलामी में है, हम तू कहेगा वही हमारी दिशाएं होगी, क्योंकि तू हमारा निर्माण करता है, तू हमारा सृष्टि करता है। अब यहाँ पे वो नाम तैयार हो गया, इसे परमेश्वर कहा जाता है,
समझ में आया, क्योंकि अब उसको आराधना मिलने लगा। तो वचन ने जब एंजल्स की सृष्टि की, स्वर्गदूतों की सृष्टि की, तब वो एंजल्स उस सृष्टि किए हुए अवस्था को पहचानते हुए किसने सृष्टि किया उनको, उसकी आराधना करने लगे, उसको धन्यवाद देने लगे, उसके संगति में रहने लगे, उसको पसंद आएगा वो जीवन, वो चरित्र उसका जीने लगे। अब यहाँ पे वो परमेश्वर बना, यानी वचन खुद परमेश्वर बना। यानी हम जो समझते हैं परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, तो परमेश्वर अलग नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को बनाने के बाद, वचन ने स्वर्ग दूतों को बनाने के बाद, वो बनाया हुआ सृष्टि जो है स्वर्ग दूत, ये उसको आराधना करने लगे, ये उसको समर्पित होने लगे, वचन को समर्पित होने लगे। अब वचन की आराधना होने लगी, तो आराधना होने के कारण अब उसका नाम परमेश्वर हो गया। समझ में आया? अब उसको हम परमेश्वर कहने लगे, अब हमको वो गॉड हम बोल सकते हैं, क्योंकि गॉड की वर्शिप की जाती है। ठीक है, तो वचन खुद परमेश्वर है, और वचन ही परमेश्वर है, और वचन ही शुरुआत से है, और वचन ही ने सब कुछ सृष्टि किया है। इसके लिए सारी सृष्टि वचन के सामने घुटना टिकेगी, और हम उस वचन को अब पहचानते हैं, वो ही वचन परमेश्वर है, और वो ही वचन पृथ्वी के ऊपर देहधारी होकर आया, और वही परमेश्वर का नाम है। अब परमेश्वर और वचन को अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसे कहा जाता है जिसके गुणगान गाए जाते हैं, परमेश्वर उसे कहा जाता है जिसके ऊपर आधार लिया जाता है, जिसके ऊपर हम डिपेंड हो सकते हैं, जिसके ऊपर हम समर्पित हो सकते हैं, उसको हम परमेश्वर कहते हैं। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, तुम कुछ भी बातों को अपने मन के ऊपर रखना नहीं है। ओके, जो अपने मन के ऊपर कुछ भी रखता है, बहुत ज़्यादा लंबा समय देता है कुछ भी बातों को, वो उसका परमेश्वर बन जाएगा। ओके, तो आराधना बन जाती है वो हमारी। इसके लिए कोई भी मैन ऑफ गॉड को हमने मन के ऊपर नहीं लेकर चलना है, नहीं तो वो हमारा परमेश्वर बन जाएगा। कोई भी चीज़ें, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई, हमारा उठना बैठना, हमारे रिश्ते, कुछ भी चीज़ हमारे मन के ऊपर ऊंचा नहीं करना है, नहीं तो वो हमारा आराधना का स्थान बन जाएगा, वो आराधना लेगा हमारा। ओके, तो वो स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है। इसके लिए वचन जो है वो खुद परमेश्वर है। उसने, वचन ने खुद अपने लिए स्वर्गदूतों को तैयार किया। जब स्वर्गदूतों की सृष्टि की, तो वो स्वर्गदूत वचन की तारीफ करने लगे, स्वर्गदूत वचन के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाने लगे, स्वर्गदूत वचन का आधार लेने लगे, उन स्वर्गदूत वचन के अंदर समर्पित होने लगे, सब कुछ उन्होंने समर्पण देना शुरू किया, यानी वचन उनका परमेश्वर बन गया। ओके, वही हमारा परमेश्वर बन गया। ठीक है, तो अब परमेश्वर और वचन अलग नहीं है, हमको ये बात सही ढंग से समझ आ गया है। अब हम बोलेंगे, अब परमेश्वर जो है गुण है, नेचर है, और यहाँ वचन बताता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। यानि इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जो गुण है, जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, जिसके बारे में हमने इब्रानी के पत्री में पढ़ा कि वहाँ लिखा है वो परमेश्वर का छाप होकर आया है। ओके, गुणों का छाप होकर, ढांचा होकर आया है। तो यहाँ हमको क्या दिखाई देता है कि जो परमेश्वर है वो गुण यीशु मसीह के अंदर था। यानी वचन, वचन जो है, जो आदि में वचन था, जिसने सब सृष्टि किया, जिसने स्वर्गदूतों को सृष्टि करके उसकी आराधना करने के लिए तैयार किया, वो वचन जो है उसके अंदर परमेश्वर के गुण थे। ओके, और वो गुणों को, परमेश्वर के गुणों से भरा हुआ था वो। ओके, उस ढांचे के अंदर परमेश्वर नाम का गुण था। ओके, परमेश्वर नाम का कैरेक्टर था। ओके, परमेश्वर ये गुणों से भरा हुआ चीज़ है, गुण है, नेचर है, एटीट्यूड है, कैरेक्टर है, वो वचन के अंदर था। इसके लिए वचन कहता है यूहन्ना के पहले अध्याय में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और मतलब वो गुणों के साथ था ये वचन। ओके, वो नेचर के साथ था, वो एटीट्यूड्स के साथ था, वो कैरेक्टर के साथ था वचन। ओके, यानी वचन खुद परमेश्वर है।
समझ में आया। तो अब उसने क्या किया, वो आराधना लेना शुरू करना है, तो स्वर्गदूतों को बनाया। तो स्वर्गदूत किसकी आराधना करने लगे, उस कैरेक्टर की आराधना करने लगे, उस एटीट्यूड की आराधना करने लगे, उसके गुण के आराधना करने लगे। तो वो गुण परमेश्वर है, समझ में आया। लेकिन ये गुण किसके अंदर है, वचन के अंदर है, वचन खुद परमेश्वर है। तो वो वचन की आराधना कर रहे हैं ऐसा नहीं बोल रहे, ये गुणों की आराधना कर रहे हैं। वो गुणों को क्या बोला जाता है, परमेश्वर बोला जाता है। ओके, तो यीशु मसीह परमेश्वर का छाप होकर आया है, इसका मतलब परमेश्वर के गुणों का सिक्का बन के आया है, वो स्टैंप बन के आया है वो। ओके, वो गुणों का ढांचा बन के आया है। ओके, जो कोई भी उसके अंदर फिक्स हो जाएगा, परमेश्वर का गुण उसके अंदर आ जाएगा। जो कोई भी उस ढांचे के अंदर रख दिया जाएगा, परमेश्वर के गुण उसके अंदर रिलीज हो जाएंगे, वो परमेश्वर के गुणों का इंसान बन जाएगा। समझ में आया, अभी वो अगम्य ज्योति का उसके अंदर ढांचे से आया हुआ परमेश्वर का गुण हो जाएगा। तो अगम्य ज्योति में परमेश्वर का कैरेक्टर हमको यीशु मसीह से दिखाई देता है। ओके, अगम्य ज्योति में रहने वाला कौन है, वचन है। अगम्य ज्योति में रहने वाला कैरेक्टर कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। ओके, अगम्य ज्योति का कैरेक्टर को हम क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। वो कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं। और वो परमेश्वर कौन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम वचन है। सारे वचन के आधार से मैंने आपको प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी जैसे सिखा रहे वैसे आपको बता दिया मैंने। अब आपको समझ में आएगा कि सृष्टि में जो भी सृष्टि किया हुआ कुछ भी है, ओके, वो वचन ही से किया गया है। तो वचन उसको जनरेट भी कर सकता है, वचन उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, वचन उसको ऑपरेट भी कर सकता है। यानी ये सृष्टि के अंदर का सारा रख रखाव को उधेड़ना या सही रखना वचन ही से किया जाता है। इसके लिए वचन ही से मिरेकल्स होते हैं, वचन ही से हमारा सब कुछ जो खालीपन है वो मिटाया जा सकता है, भर दिया जा सकता है। वचन ही से हमारे ऑपरेशन कैंसिल हो जाते हैं, वचन ही से हमारे सारे जो भी गरीबी है नाश हो जाती है, वचन ही से हमारे लाइफ बदलते जाते हैं, वचन ही से हम परमेश्वर को समझने लगते हैं। आमेन। तो हमारा सब कुछ का जड़ जो है वो वचन है। ओके, और वचन का महत्व इतना ज्यादा रखा है कि नाम से भी ज्यादा, सारे नामों से ऊंचा नाम बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं, हम सारी चीजों में बोल सकते हैं, सारे नामों से ऊंचा नाम है यीशु मसीह का नाम। लेकिन वो नाम क्या है, वचन। ओके, वचन सबसे पहले था, वचन से सारी चीजें बनाई गई, सब कुछ को वचन के द्वारा झुकाया जाएगा, वचन के द्वारा हर घुटना टीका जाएगा, हर जुबान कबूल करेगी। प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। यानी सब घुटना वचन के सामने झुकाया जाएगा। सृष्टि के अंदर कोई पावर यीशु मसीह के विरोध नहीं जा सकता है। सृष्टि के अंदर का कोई भी तंत्र मंत्र श्राप वचन के सामने रुक नहीं सकता है। वचन के सामने उसको हाथ टेक देना पड़ता है। वचन ने सब कुछ क्रिएट किया है, वचन उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, अब आपको पूरी हिम्मत आना चाहिए। कोई दिन हमारे लिए शुभ अशुभ नहीं है, कोई समय कोई घड़ी हमारे लिए बंधन नहीं है, कोई कलर्स हमारे लिए कोई लिमिट्स नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई शक्ति कोई नाम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि ये सब कुछ सृष्टि किया गया है और इसको ख़त्म करने की ताकत वचन के अंदर है। ओके, अब वचन के अंदर का ताकत पे हमारा गढ़ है, मजबूती है, हमारा सहारा, हमारा भरोसा हमने टेक लिया है, हमारा सब कुछ समर्पित किया है। हम बोलते हैं हमने परमेश्वर को समर्पित किया है, यानी हमने उसके कैरेक्टर को, उसके अवस्थाओं को जाना, उसको पहचाना, उसको आराधना करते हैं, उसके कैरेक्टर को आराधना करते हैं और उसको हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है। ओके, अब वो देखे
और वो जाने हमारा क्या करना है। जब ये टेक हम परमेश्वर के ऊपर देते हैं तब उसका वचन हमारे लिए काम करता है, उसका वचन हमारे रास्ते बनाता है, उसका वचन हमारी पॉसिबिलिटीज़ बनाता है। तो आपका इस दुनिया के अंदर कहाँ से भी कोई भी रास्ता बंद नहीं कर सकता है अगर वचन को आपने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अगर वचन आपने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, आपको समझ में आएगा आदि में स्वर्ग और पृथ्वी को वचन ही ने बनाया है। वचन के बिना कोई कुछ सृष्टि नहीं हुआ है। तो वचन ही के द्वारा आप पहाड़ को हटा सकते हैं, वचन ही के द्वारा आप अपने रास्ते बना सकते हैं, वचन ही के द्वारा आप परिस्थितियों को पलटा सकते हैं, वचन ही के द्वारा मुर्दों को जिलाया जा सकता है, वचन ही को सब कुछ अधीन हो जाता है, सब कुछ अधीन हो जाता है। दुनिया का कोई भी पावर रहने दो, सब कुछ वचन के नीचे झुकाया जाता है। समझ में आया? इसके लिए वचन परमेश्वर है। समझ में आया? इसके लिए हम बोलते हैं, हम वचन परमेश्वर जो है, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि उस वो हमारा भरोसा है, वो हमारी ताकत है। समझ में आया? हम जिसको ये बोल रहे हैं उसको हम बोलते हैं, हम परमेश्वर को बोल रहे हैं। समझ में आया? और वो परमेश्वर का नाम क्या है? वचन है। ठीक है? और जब हम ऐसा उसके ऊपर सहारा टेक ले लेते हैं, जब हम इस तरह से उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तब उसको वो स्थान मिलता है जिसको कहा जाता है परमेश्वर, जिसको कहा जाता है गॉड। ओके? तो गॉड को क्रिएट किया गया है ताकि हम आराधना कर सकें। ओके? ताकि हम उसके कैरेक्टर में उसकी आराधना करते हुए उसको हम समर्पित हो सके। वो कैरेक्टर, वो गुण, वो उसको हम परमेश्वर बोल रहे हैं, और वो परमेश्वर को बनाया गया है। और वो परमेश्वर को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि अगर वो बनाया नहीं गया तो आराधना करेंगे तभी वो परमेश्वर होगा। अगर आराधना नहीं करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, तो वो परमेश्वर ही नहीं है। समझ में आया? तो वचन सबसे पहले था, वचन ने सृष्टि किया, तो वो सारी सृष्टि किसके ऊपर डिपेंड हो गई? अभी वचन के ऊपर डिपेंड हो गई। लेकिन वचन के ऊपर वो डिपेंडेंसी करना है उसको, तो वो कैरेक्टर, वो गुण उसको कैसे मालूम पड़ेगा? तो वो गुण जब उसको मालूम पड़ा तो उसने आराधना करना स्टार्ट किया। वो आराधना करना शुरू किया, इसके लिए वो परमेश्वर कह के पुकारने लगे लोग। ओके? परमेश्वर ये नाम उनको, उस हम परमेश्वर कह के उसको पहचानने लगे। समझ में आया? तो परमेश्वर को किसने क्रिएट किया? वचन ही ने क्रिएट किया। वचन ढांचा है जिसके अंदर परमेश्वर है, यानी गुण है, एटीट्यूड है, कैरेक्टर है। जब इस गुणों की, इस एटीट्यूड की, इस कैरेक्टर की हम आराधना करते हैं, तो हम बोलते हैं परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तब उसको परमेश्वर का स्थान मिलता है। इसके लिए यीशु मसीह ने वो चेले से कहा, अगर मेरे आने तक ये चेला जिंदा रखूंगा, मैं मरने नहीं दूंगा, तो तेरा क्या उसमें प्रॉब्लम है? इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि वो इस सृष्टि के अंदर के कोई बंधन के अंदर नहीं है। वो अपने मर्जी का मालिक है, क्योंकि उसने सब कुछ बनाया है। वो वचन है। ओके? और उसकी आराधना की जाती है। तो ये आराधना इस वचन के आधार से हम समझ सकते हैं, जब हम वचनों को इस्तेमाल करते हैं, जब हम वचनों को बोलते हैं, तो ये वचन क्या काम करता है? वो सारी जो बनी बनाई चीज़ें हैं सब कुछ के ऊपर प्रबल हो जाता है। हर घुटना टिकेगा कहाँ है? जितना भी आपको कोई भी असंभव बात लगता है, आपको लगता है कि ये परिस्थिति कभी नहीं बदल सकती, उस परिस्थिति का भी ताबा वचन लेता है। ओके? अगर आपको कभी भी लगा ऐसा कि मैं इन परिस्थिति के पार नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि ये भयानक परिस्थिति है, उसके पार भी वचन आपको लेकर जा सकता है, क्योंकि वो परिस्थिति के अंदर पड़ा हुआ सब कुछ सृष्टि किया हुआ चीज़ें हैं, और सृष्टि किया हुआ चीज़ें वचन का सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन को सृष्टि, वचन के द्वारा ही वो सृष्टि हुआ है, तो वचन के द्वारा ही वो नाश भी कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो वचन हमारे जिंदगी का मकसद है, वचन से हम पावरफुल हैं, वचन के द्वारा
हम अपने रास्तों को सीधा सरल बनाते हुए आगे जा सकते हैं। इस सृष्टि के अंदर का कोई भी चीज़ हमको लिमिट नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। अगर हम वचन को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये हमारी गलती है, ओके। वचन का प्रॉब्लम नहीं है, वचन अपने अंदर खुद परमेश्वर है, ओके। तो हम अगर वचन को इस्तेमाल नहीं कर रहे और हमारी परिस्थिति के अधीन जा रहे, हम परमेश्वर का आराधना कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वचन को हमारी परिस्थितियों में नहीं डाल रहे हैं, ओके, फाउंडेशन में नहीं बना रहे, हम वचन का आधार लेकर हमारे मार्ग को नहीं चल रहे हैं, ओके, तो हम ये संसार के अंदर के पावर्स के अंदर हम धक्के खाते हुए चलेंगे, ओके, क्योंकि संसार के अंदर सब कुछ बिगड़ता बनता है, उसके अंदर सब कुछ बैलेंसिंग है, आपको ओवर पावर करने का भी उसके अंदर है, आपको गिराने का ताकत भी उसके अंदर है, आपको कुछ नुकसान करने का भी उसके अंदर पावर्स है, सब कुछ है संसार के अंदर, सृष्टि के अंदर। इसके लिए तो जादू टोना बनते हैं, इसके लिए तो मून मैजिक फेसेस ये सब बनाया जाता है, इसके लिए तो लोग कितने सारी चीज़ों को नुकसान में बदल देते हैं, कुछ अपने फायदे कर लेते हैं, कुछ अपने लोगों को नुकसान कर देते हैं। ये सारी चीजें कहां से बनती है? क्योंकि वो सृष्टि के अंदर वैसा वैसा चीजें अवेलेबल है, लेकिन उनकी टेरिटरी में है, उनके जगह जमीनों में है, उसके बाहर जाएंगे तो वो मारे जाएंगे, ओके, क्योंकि उधर के अलग टेरिटरी रहेगी, जहां जाएंगे उधर अलग प्रिंसिपैलिटी रहेगी, वहां उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो अपनी टेरिटरी को छोड़ के बाहर वो कुछ नहीं करते, हर एक कुत्ता अपने गली में ही अपनी शानपति बताता है ना, वैसे ये सारी चीजें होती है। तो अपने गली के कुत्ते हैं सब चीजें, आप उनको अपने गली से बाहर निकालो तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ओके, तो हम सब वैसे ही है, अपने अपने एरिया में वो सारे फोर्सेस के नीचे है हम, ओके, हर एक चीज फोर्स कर सकती है हमारे ऊपर, लेकिन जैसे हम वचन को उठाकर चलना शुरू करेंगे, जैसे हम वचन का आधार लेकर हमारे परिस्थितियों के ऊपर हम बोलना शुरू करेंगे, तो हमारी परिस्थितियां बदलती जाएगी और इतने बड़े चमत्कार उससे हो जाते हैं, इतना बड़ा शांति और समाधान और सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि इस सृष्टि के अंदर के सारे फोर्सेस हम वचन के द्वारा हमारी तरफदारी में कर सकते हैं, ओके, सारे फोर्सेस जितने भी सृष्टि के अंदर आपको चाहिए वो सारे फोर्सेस आपके तरफदारी में आप निकाल कर ला सकते हैं, पूरी दुनिया के फोर्सेस आप अपनी तरफ निकाल के ला सकते हैं वचन के द्वारा। समझ में आया? क्योंकि उसको वचन ओबे करने का कमांड है, क्योंकि वचन जब बोला जाता है तो घुटना टेकना ही टेकना है, चाहे वो दुनिया का कोई भी फोर्स क्यों ना रहे, चाहे वो दुनिया का कोई भी ताकत क्यों ना रहे, वचन का सामना कोई फोर्स नहीं कर सकता है। आमीन। अब इसके बाहर हमको और ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर कैरेक्टर है, परमेश्वर एटीट्यूड है, जो खुद अपने अंदर वचन के साथ, वचन के अंदर वो कैरेक्टर था, वचन ही खुद परमेश्वर था, जिसकी आराधना स्वर्गदूत कर रहे, इसके लिए उसको परमेश्वर कहा गया है, ओके, तो वचन खुद परमेश्वर बना, क्योंकि वचन ने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वचन ही ने स्वर्गदूतों को बनाया, तो वो सारी सृष्टि परमेश्वर के आराधक बन गए, ओके, तभी उसको परमेश्वर कहने का दिमाग आ गया, तभी वो परमेश्वर बन गया, तभी उसको परमेश्वर कह के समझने लगे। तो परमेश्वर सृष्टि कैसे हुई? वचन ही के द्वारा उसकी सृष्टि हुई है, क्योंकि वचन ही ने वो कैरेक्टर की आराधना करने के लिए हमारे सामने उसको रिवील किया, हमारे सामने उसको प्रकाशित होने दिया, हमारी समझ में उसको आने दिया, और हम उसकी आराधना करने लगे, तब से वो परमेश्वर कहलाया जाने लगा, ठीक है। तो परमेश्वर का नाम क्या है? वचन, ठीक है, यहोवा, ये सब नाम हम पढ़ते हैं बाइबल में, लेकिन प्रकाशित वाक्य में जो बोला है, परमेश्वर का नाम क्या है? वचन, ओके, और परमेश्वर क्या है? गुणों से भरपूर है, एटीट्यूड से भरपूर है, कैरेक्टर से भरपूर है। वो आया कहाँ से? मोल्ड कौन है उसका, बनाने वाला कौन है? वचन, वचन खुद वो एटीट्यूड्स, वो मोल्ड, वो सब कुछ उसके अंदर था, और वो मोल्ड खुद था, वो खुद ढांचा था, और अब वो जब पृथ्वी के ऊपर आया, जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है उस ढांचे में से वो परमेश्वर के गुणों से भर जाता है, ओके, यीशु मसीह के गुणों से वो भर जाता है, वो अगम्य ज्योति हमारे साथ रहता है, वो अगम्य ज्योति
कहा गया है, उस एटीट्यूड को, उस परमेश्वर को कोई मनुष्य देख नहीं सकता है, अगर किसी ने देखा तो वो मर जाएगा, ऐसा लिखा था। लेकिन आज परमेश्वर हमारे अंदर निवास कर रहा है, वो अगम्य ज्योति में से निकल के हमारे अंदर उसने उसके छोटे पोर्शंस को हमारे अंदर रखा। अब सारे मसीह जब इकट्ठे होकर खड़े हो जाएंगे, उसे कहा जाएगा ये मसीह का देह है। ओके, तो इस तरह से हम मसीह के देह के अंग है, हमने अपने आप को यीशु मसीह के देह के अंग माना है और हम इकट्ठे हो जाते हैं मसीही सब, तो ये मसीह का पूरा देह बन जाता है। ओके, तो हम इस तरह से वो अगम्य ज्योति को हमारे अंदर लिए है, वो अगम्य ज्योति के कारण हमारे साथ यूनिवर्स के सारी चीज़ें फेवर में आ जाती है, यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स हमारे सामने खोल दिए जाते हैं, यूनिवर्स के कोई हिस्से हमारा सामना करने के लिए ओवर पावर नहीं कर सकता है अगर हमने वचन को इस्तेमाल किया। ओके, अगर हम सिर्फ मसीह है बोलते रहेंगे लेकिन वचन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वचन पावर है, वचन शक्ति है। इसके लिए यहूदियों ने बोला था ना, यहूदियों के बारे में यीशु मसीह ने बोला था, तुम पावर को तो ढूंढते हो, तुमको लगता है वचन के अंदर शक्ति है, लेकिन वो वचन मैं खुद हूँ, तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हो लेकिन लिखित बातों के ऊपर भरोसा कर रहे हो। तो ये वचन है जो हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं, ये बातें हैं, ये वचन है जिसको हमने लेना है, और वो सारे फोर्सेस, सारे एंजेलिक फोर्सेस, ओके, सारे पावर, सारा निसर्ग हम वचन के अधीन लाके रख सकते हैं। चाहे वो बाढ़ रहे, चाहे वो बिजलियाँ कौंधना रहे, चाहे वो तूफान रहे, चाहे वो कुछ भी रहे, हम सब कुछ वचन का सामना करा के उसको शांत कर सकते हैं। ठीक है,